लड़की के गैटम में हजारों नहीं लाखों लोग आपसे प्यार करते थे, आप पे फिदा होते थे। उन्होंने मुझसे गिला किया कि आप जो भी थे सामने नहीं था ना, हमें हमारे दिल को सुकून तो था ना, तो कईयों के दिल टूटे, कईयों ने खाना छोड़ दिया। BBL जो है एक नाम बनाना बहुत मुश्किल बात थी मेरे लिए, लेकिन शुक्र है कि मैंने बना लिया, क्योंकि मैंने इसके पीछे मेरी बहुत ज्यादा मेहनत थी और मैंने ये एक समझ लिया कि गुर्बत से मैंने ना तंग आकर ये कदम उठाया उस वक्त, जो कि आज से 5 साल पहले की बात है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें इन की अपनी लाइफ को, जैसे सोशल मीडिया पे टिकटॉक थी और भी मुख्तलिफ एप्लीकेशन थी, वहाँ पे अर्निंग थी, तो मुझे वहाँ से पैसे कमाने का जरिया मिला और मैंने अपनी लाइफ को वहाँ पे इन करके इंजॉय किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है, एक टाइम पे खाने के लिए भी नहीं था, अब सब कुछ है। अच्छा BBL, आप बहुत कमाल की ड्रेसिंग करती हैं, आप कहाँ से ये परचेज करती हैं और कितने में ये परचेज करती हैं? मेरे आशिक बहुत सारे हैं, मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी भी लोग आपसे प्यार करते हैं? हाँ बहुत सारे, तो मैं अगर किसी को बोलूँ कि मुझे ये चाहिए, मेकअप चाहिए या ड्रेसिंग चाहिए, तो वो मुझे सब कुछ भेज देते हैं, अभी तक भेजते हैं। अच्छा BBL, कभी ऐसे भी हुआ कि आप जब लड़की के गेटअप में हो, आपको किसी से प्यार हुआ हो? हाँ, मुझे उस गेटअप में उस वक्त में भी था, अभी भी है, मोहब्बत हुई थी, लेकिन वो इंडिया का एक एक्टर है। अच्छा, इंडिया के एक एक्टर से आपको मोहब्बत हो गई थी? एक एक्टर है, उससे मुझे हुई थी, लेकिन मैंने उसका नाम मेंशन नहीं करना, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ था उस दौर में भी और अभी भी कि मैंने कभी भी उसका नाम मेंशन किया। उस इंडिया के क्रिकेटर सा जो, उसको पता था आप लड़के हो? मैंने खुद बता दिया था, लेकिन उसके साथ मेरी सारी सारी रात बातें भी होती थी और काफी अच्छी बातें, अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन हो गई थी, अभी भी है। लड़की के गेटअप में हजारों नहीं लाखों लोग आपसे प्यार करते थे, आप पे फिदा होते थे, आप पे जान निशावर करते थे, जब उनको पता चला कि आप एक लड़की नहीं एक लड़का हो, वो तो तब लोगों को क्या रिस्पॉन्स था? तब तो बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझसे राबता करने की कोशिश की ना, जब पता चल गया ये बॉय है, तो उन्होंने मुझसे गिला किया कि आप जो भी थे सामने नहीं था ना, हमें हमारे दिल को सुकून तो था ना, तो कईयों के दिल टूटे, कईयों ने खाना छोड़ दिया, भूखे रहने लग गए और मुझसे मतलब तरला करते रहे, यार तुम फिर उसी गेटअप में रहो, हमें तसल्ली नहीं। लेकिन फिर जब एक चीज छोड़ दी तो फिर नहीं, दोबारा दिल नहीं किया। लोग आपको BBL के नाम से जानते हैं, उस BBL उस लड़की के गेटअप में रहकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि अगर आपके पास इस तरह का टैलेंट है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। उस वक्त में जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मुझे लोगों ने बड़ी बातें की, घर वालों ने भी की, रिश्तेदारों ने की, सबने की, जिसका जो दिल किया, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा जो भी है मैंने करना है, तो करके मैंने आज कुछ बना के अपना नाम भी बना लिया, कुछ जो बातें करते थे वो मिलने को भी तरसते हैं। तो बात ये है कि जब अल्लाह साथ दे तो फिर आप करो। कुछ लोग अभी भी इस वीडियो में भी शायद बैड कमेंट्स करेंगे, लेकिन बात यह है कि उसका हिसाब मैंने देना है, आप अपनी अपनी सोच में करो कि मेरा क्या बनेगा। हर इंसान अपने आप का जज बन जाता है ना, वकील भी बन जाते, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको अपनी सोच होनी चाहिए कि मेरा क्या बनेगा कल को। सर BBL, आप ड्रेसिंग के साथ साथ एक मेकअप भी बहुत कमाल का करती हैं, क्या जो आप मेकअप आप खुद अपने अपने आप को मेकअप करती हैं, किसी से सीखा है या अपने खुद से आप खुद को मेकअप करती हैं? मैंने सीखा नहीं है किसी से, मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट आते हैं ना जो, तो उनको ही देख देख के तो मुझे करना भी आ गया, कुछ वीडियोस देख देख के, और अक्सर मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मेरे पास एक दो मेकअप आर्टिस्ट हैं, फिर उनको बुला के उनसे मेकअप करवा लेते हैं, वो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, तो माशाल्लाह। जी, जैसा कि BBL से बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई, उनका यही कहना था कि जो जिस इंसान के अंदर भी कोई टैलेंट हो उसको छुपाना नहीं चाहिए बल्कि उसको उजागर करना चाहिए।